पीछे जान दे हो सरकार नहीं बनना चाहिए, सरकार नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आवारा जानवरों का जो मुद्दा राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। सरकारें आती रहीं, चुनाव होते रहे, रैलियां, भाषण और मंच माइक मनुष्य के बीच किसान अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर होते रहे, सरकारों ने उनकी कोई नहीं सुनी। हालत यह है कि बीती ठंड की तरह इस बार भी कई किसान प्रेमचंद की पूस की रात वाले नहकू हुए हैं, वही नहकू जिसने अपने खेतों की रखवाली में सारी सर्दी काट दी थी। ये तस्वीरें देखिए, किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए मजबूर हैं, रात को अलाव जलाकर किसी तरह से रात काटी जा रही है, कोहरे की रात, ओस की रात, और किसान बेबस है इस बात पर कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ये तस्वीर कानपुर देहात में छुट्टा गोवंश की समस्या से परेशान एक किसान की है। अकबरपुर तहसील के खानचंदपुर गांव में एक किसान की 4 बीघा जमीन को आवारा जानवर चर गए। जिस खेती के लिए साल भर मेहनत की, पूरे सीजन जिस खेती की रखवाली करते रहे, 4 बीघा उसी खेती का आवारा पशु खा गए। अब किसान कह रहा है कि या तो आत्महत्या करके जान दे लेने दो, या तो मेरी फसल का उचित मूल्य दो, ये फसल मेरे परिवार की जीविका चलाने वाली थी। पीछे जान दे हो, हमारा खेत चल गया है, बच्चों को खिलाएंगे हम। इसकी योगी बाबा की सरकार नहीं बनना चाहिए, योगी बाबा की सरकार नहीं बनना चाहिए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल है। गोंडा से लेकर गोरखपुर तक, गाजियाबाद से लेकर उन्नाव तक हालत वही है। किसान अपने खेतों में सारी रात आवारा पशुओं से फसल बचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने अब तक चुनाव के बाद से कुछ नहीं किया है। कहने को मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आवारा जानवरों की सारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन मोदी जी इस बार सुननी चाहिए इन किसानों की बात जो सारी रात कोहरे में रहकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। आम किसान आखिर किस तरह अपना जीवन काटेगा? सोचिए, खेत में खड़ी पूरी फसल को अगर जानवर अपने पैरों तले रौंद दें, उन्हें चर जाएं, तो जिस किसान ने उसके लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की है, उसके घर पर, उसके खुद पर, उसके बच्चों पर क्या गुजरेगी? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।